राज्य खुश है? हाँ, तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही किया इस सच्ची मोटिवेशनल कहानी के मुख्य किरदार ने, पर उन्होंने क्या किया और कैसे किया ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो कहानी है ना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है। और इस कहानी के जो मेन किरदार है उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका नाम बदल दिया जाए, इसलिए मैंने उन्हें इस कहानी में एक काल्पनिक नाम दे दिया है। तो अभी से हम लोग मुख्य किरदार को अजय नाम से बुलाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अजय के बारे में आपको बता दूं। जो अजय हैं अभी वो रेलवे जेई के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी पोस्टिंग जो है अभी बनारस में है। दोस्त, अजय की सच्ची मोटिवेशनल कहानी की शुरुआत होती है आज से 26 साल पहले से। अजय का जो जन्म है वो बिहार के वैशाली ज़िले के एक छोटे से गाँव के गरीब परिवार में हुआ था और इनके परिवार में टोटल 6 लोग थे। अजय के मम्मी पापा, दो बड़े भाई और एक छोटी बहन। इस परिवार का जो आय का मुख्य स्रोत था और जिससे इनका खाना पीना सब चलता था वो था गांव का एक किराना का दुकान जो इनके पिताजी चलाते थे। और इस दुकान से सिर्फ इतना ही पैसा वो कमा पाते थे कि अपने परिवार को 3 वक्त की रोटी आराम से खिला पाए। और जो अजय की मम्मी थी वो घर गृहस्थी वाली थी और घर बच्चों को संभालना, खाना बनाना ये वो देखती थी। अजय और उनके तीनों भाई बहन वो गांव के ही जो सरकारी स्कूल होता है ना वहीं पढ़ते थे। इसी तरह उनका समय बीतता जा रहा था और जब अजय 6 क्लास में पहुंचे तो अचानक उनके पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया। तो उनका इलाज चला और इस इलाज में उनका जो जमा पूंजी था और जो थोड़ा बहुत ज़मीन था वो सारा ख़त्म हो गया, सारा चला गया। और अंत में उनके जो पिताजी थे वो नहीं बच पाए, उनका भी देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद मानो उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप इसको फील कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा उस समय अजय के लिए, उनके फैमिली के लिए समय। और इस कठिन परिस्थिति के बीच में उनके माताजी ने साहस का परिचय दिया और अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर उनका जो गांव में छोटा सा किराना का स्टोर था उसे उन्होंने शुरू किया। दोस्त, यहाँ मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, हमारी जो भारतीय नारी होती है उनमें बहुत ही ज़्यादा साहस और शक्ति होती है और इस शक्ति और साहस के बदौलत वो किसी भी परिस्थिति और किसी भी समस्या से लड़कर, झगड़कर, जूझकर वो उस पर विजय पा ही लेती हैं। और हम और हमारा समाज इसी शक्ति को सम्मान देने के लिए दुर्गा पूजा मनाता है। तो दोस्त, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो जीवन में कभी भी किसी भी नारी का निरादर नहीं करना, हमेशा उन्हें सम्मान देना। तो दोस्त, चलो अपने स्टोरी पर वापस चलते हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच अजय की जो माताजी होती है ना वो अजय को उसके नाना जी के पास भेज देती हैं ताकि अजय को एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छा शिक्षा मिल पाए। और नाना जी भी अजय का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं क्योंकि अजय गांव के स्कूल से पढ़ा होता है। तो आपको दोस्त पता ही है कि गांव के स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, ठीक है। इसलिए अजय का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उस स्कूल में भी, और अजय जैसे तैसे पास होकर 10वीं पास कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से समय अजय का कटता रहता है क्योंकि अजय को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो अजय का जो दिमाग था वो इधर उधर की बातों में, कहीं क्रिकेट खेलने जाना है, कहीं लड़ाई हो गया तो लड़ने जाना है, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा रहता था, ठीक है। और पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं रहता था और जैसे तैसे वो पास होते जाते थे क्लास अजय। तो इस तरह अजय का जीवन कट रहा था। और जब अजय ने 12वीं का एग्ज़ाम दिया तो अचानक से जो अजय के नाना जी को हार्ट अटैक आता है और उनका देहांत हो जाता है। और देहांत के बाद अजय का 12वीं रिजल्ट आता है और अजय 12वीं में फेल हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को पता है और आपको ही पता होगा कि 12वीं की तुलना में 10वीं पास करना ज़्यादा ईजी होता है। 10वीं में सब कोई पास हो जाता है पर 12वीं में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वही पास हो पाते हैं। तो अजय के साथ भी यही हुआ कि अजय 12वीं में फेल हो गया और यहाँ उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। और नाना जी ही एक थे जो अजय का ध्यान रखते थे, ठीक है। और नाना जी, पहले तो पिताजी का देहांत हुआ, फिर नाना जी का देहांत हुआ। इन सब स्थितियों से जो अजय है ना पूरी तरह टूट गया, पूरी तरह मायूस हो गया। अब उसे लगने लगा कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इन सब परिस्थितियों के बीच अजय अपने मम्मी के पास आ जाते हैं और अपने गांव में रहने लगते हैं। तो गांव में क्या होता है कि बिहार के हर एक गांव से कुछ ना कुछ लोग दिल्ली ज़रूर जाते हैं कमाने के लिए। तो
अजय के भी गांव से कुछ लोग दिल्ली गए थे कमाने के लिए, और अजय भी उन्हीं के संपर्क में आते हैं, और अजय भी मन बनाते हैं कि वो भी अब दिल्ली जाएंगे और कमाएंगे, और वो उनके साथ फिर दिल्ली चले जाते हैं। क्योंकि घर में पहले से ही पैसे की तंगी थी, और ऊपर से अब नाना जी भी नहीं रहे और इनका 12वीं भी ख़त्म हो गया, फेल हो गए, तो इनके पास एक ही रास्ता था कि वो दिल्ली जाएं और कमाएं। तो वो अपने गांव के कुछ लोगों के साथ दिल्ली चले जाते हैं, और वहां वो काम ढूंढते हैं, और उन्हें काम जो मिलता है वो है होता है ट्रक के खलासी का। जैसे एक ट्रक में एक ड्राइवर होता है, उसके साथ एक उसके हेल्प करने के लिए खलासी होता है, तो वो वहाँ पर दिल्ली जाके कुछ दिन खलासी का काम करते हैं। पर उनका तबीयत जो है दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो फिर वापस अपने गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद अजय अपने नाना जी को बहुत मिस करते हैं, और नाना जी जो उन्हें कहते थे उनको सारी बातें याद आती है। उनके नाना जी उन्हें कहते थे कि अजय बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो और एक अच्छी सी नौकरी ले लो। और हाँ दोस्तों, उनके जो नाना जी थे वो पेशे से एक टेक्नीशियन थे, तो उन्हें टेक्निकल डिग्री के बारे में नॉलेज था। तो वो हमेशा अजय को बोलते थे तुम पॉलिटेक्निक ज़रूर कर लो, पॉलिटेक्निक करने से क्या होगा कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गांव आने के बाद अजय को नाना जी की बहुत याद आती है, और नाना जी की कही गई हर एक बातें अजय को याद आती है। नाना जी कहते थे कि अजय बेटा तुम अच्छे से पढ़ लिख लो और एक अच्छी नौकरी ले लो। और क्योंकि नाना जी टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, वो एक PSU में टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम करते थे, तो उन्हें टेक्निकल डिग्री के बारे में पता था। तो वो अजय को हमेशा कहते थे कि तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो दोस्त, इन सभी बातों के याद आने के बाद अजय जो है अपने मन ही मन में नाना जी से वादा करते हैं कि वो पॉलिटेक्निक ज़रूर करेंगे और एक सरकारी नौकरी लेंगे और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। और इसी प्रॉमिस को वो अपना हिम्मत बनाते हैं, और साहस इसी प्रॉमिस से उन्हें आता है, और वो अपने नाना जी के घर वापस मामा जी के साथ रहने चले जाते हैं। और वहाँ रह के वो अपने मामा जी के बिजनेस में उनके हाथ बटाते थे, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका अच्छा रैंक आता है तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। इसीलिए जो अजय हैं वो मामा जी के बिजनेस में हाथ भी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी भी करने लगते हैं। और वो तैयारी करते हैं और काफ़ी मन लगा करते हैं। जब वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है, तो उनका रैंक लगभग 12,000 रैंक आया होता है। इतने रैंक में उन्हें कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया, और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने फिर से हिम्मत बांधी और फिर से वो तैयारी में लग गए। और इस बार उन्होंने अपनी सारी कमियों को, जो उन्होंने पिछले एग्ज़ाम में गलती उनसे हुआ था, सारी कमियों को दूर किया, और फिर से उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें 1200 रैंक आए, और 1200 रैंक आने के बाद उन्हें अपने शहर के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, उसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, इसलिए एक गरीब का बच्चा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इजीली पढ़ सकता है। तो अब दाखिले के बाद अजय को एक और मौका मिला कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर सके, तो इसलिए वो उस कॉलेज में एकदम मन लगा के पढ़ाई करने लगते हैं, और नियमित पढ़ाई करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते हैं, और उनकी दोस्ती अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ होती है, जिससे उनका पढ़ाई में मन और लगने लगता है, और वो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करने लगते हैं। और पढ़ाई करते करते वो 3 साल बाद अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो खुद से ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने लगते हैं। पर एक दो एग्ज़ाम देने के बाद उनका जब सिलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब वो फिर से मायूस होने लगते हैं। फिर उन्हें अपने नाना जी का प्रॉमिस याद आता है, और वो फिर से इस तैयारी में लग जाते हैं। इसी बीच घर की जो माली हालत होती है उनकी बहुत ही ख़राब होती है, तो वो एक प्राइवेट नौकरी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर पेट में अन्न रहेगा तभी वो पढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो प्राइवेट में भी काम करने लगते हैं, और साथ ही साथ अपना वो तैयारी भी करते रहते हैं। इसी तरह वो तैयारी करते करते एग्ज़ाम देते रहते हैं, और एक दिन रेलवे का फॉर्म आता है, रेलवे JEE का। अब वो रेलवे JEE का फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि इससे पहले वो कई सारे एग्ज़ाम दे चुके थे और फेल हो चुके थे, तो उन्हें ये अनुभव हो गया था कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो रेलवे JEE का फॉर्म आता है, वो पूरी मेहनत से पूरी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और फाइनली इनका सिलेक्शन हो जाता है, और वो एक रेलवे JEE बन जाते हैं। प्रेजेंटली वो अभी बनारस में रेलवे JEE हैं, और वो ट्रैक मेंटेनेंस का काम देखते हैं। रेलवे JEE बनने के बाद सबसे पहले अजय ने अपनी छोटी बहन का शादी किया, और उसके बाद वो अभी अपने फैमिली के साथ बनारस में हंसी खुशी से रह रहे हैं। दोस्त, अजय की इस स्टोरी से प्रूव होता है कि गरीब घर का बच्चा भी रेलवे JEE बन सकता है। रेलवे JEE नहीं, वो जो चाहे वो बन सकता है, बस ज़रूरत है सही मोटिवेशन की। तो दोस्त, आज से आप भी अपने मोटिवेशन को ढूंढिए और अपने सपनों को साकार करने में जुट जाइए। अगर दोस्त ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं
तो मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे है। दोस्त, उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप अपना रखिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।